अब कई जगहों पर जा करके वो लोग देख रहे हैं, चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, शराबबंदी का क्या असर है और कैसे इसका कितना फायदा है, तो इन सब चीजों को देखने और समझने के लिए लोग आए हैं। हमसे भी मिले, उनको भी सारी बातों की जानकारी हमने बता दी थी कि सब देखिए, और हमने कहा था कि आपके राज्य में भी हम गए हुए हैं, जैसे ही शराबबंदी लागू हुआ वैसे ही वहाँ के लोगों ने हमको भी आमंत्रित किया और वहाँ गए हुए थे। ये जो अभी मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय तो अपने पार्टी के अध्यक्ष थे, से भी मिले थे, तो ये सारी बात वहाँ हुई है। तो आते हैं तो अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि सब बहुत प्रसन्न, उसमें एक महिला भी एमएलए थी, बहुत अच्छे ढंग से एक बार देखा है, हमने बता दिया भाई कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है, 100% तो कभी ठीक नहीं हो सकता। अरे पीछे रखे तो आगे देखेंगे ना भाई, स्वभाव ऐसा होता है तो उसको क्या कीजिए, सब थोड़ी लेकिन मैक्सिमम। और जान लीजिए, इस बार भी जो हम पहले भी कह रहे थे ना कि हम लोगों ने 2018 में करवाया था पूरा का पूरा इसके जांच सर्वेक्षण, तो पता चला था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। तो अभी जो हम फिर दोबारा करवाए, अभी रिपोर्ट आई है कि 1,82,00,000 लोगों ने, 2,00,000 लोगों ने छोड़ दिया। तो हमने कहा था महिला पुरुष सबका पता करिए, इन लोगों ने पता लगाया कि 99% महिला शराबबंदी के पक्ष में है, 92-93% पुरुष हैं। तब इतना जब हुआ है तभी बड़ी चीज है ना, कुछ तो आदमी इधर उधर करेगा, उसके लिए कोई खास बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सुविधा हुई। आप देख रहे हैं ना, अब बाजार में सब चीज कैसे बिक रहा है, लोग पहले का जो भी थोड़ा बहुत पैसा उसी में खर्चा कर देते थे, बहुत शांतिपूर्ण होली भी था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया। और लेकिन कुछ आदमी तो करेगा ही, सब कोई बात नहीं, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हो। ईडी के रेट में क्या कहेंगे, पटना से लेकर दिल्ली बम्बई हर जगह रेट पड़ा है, क्या कहेंगे? आज फिर समन जारी किया गया, क्या कहना, जो कर रहा आज जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना। आपका सहयोगी पार्टी आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना, 17 में हुआ था, और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हुए, तो 5 साल बीत गया और सब रेड हुआ, अब फिर हम लोगों के एक साथ हो गया तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर, कितना साल पहले से रेड हो रहा था तो फिर हो रहा था, कौन चीज कहना, क्या कर रहे हैं तो याद कर लीजिए, खाली 17 हो गया, जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू, तब क्या मामला है क्या मामला नहीं है तो वही लोग ना बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे। तो सर, नौ दलों के सर पत्र में सर आपने समर्थन नहीं किया जो सीबीआई ये सब तमाम जांचों पर सर पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को, बीजेपी कह रही है कि आप कभी इस तरह के कोई उस तरह की बात नहीं। देखिए हम तो वेट कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम करती है, उन सब चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है, काम करते रहते रात दिन देखते नहीं, हमारी सक्रियता को नहीं देखते। अभी लोग को पूछिए वहां सामने कहाँ कहाँ गए, कितना जगह घूम कर मुंह पर रख हर जगह की समस्या को देख लिया, मुंह पर कहा उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं, हम तो काम में एंगेज हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा एक राउंड हम बात करेंगे, ऐसे हमको उससे मतलब है, जो भी जिनको लगता है ना पार्टी को काम करते हैं तो करते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो 7 पार्टियां एक साथ है तो सब सारा काम कर ही रहे हैं, बाकी कौन क्या करते हैं उनकी जो इच्छा होती है करते हैं, सबको अधिकार है, लेकिन मेरा वहाँ पर पहुँच जाना ही कोई आवश्यक नहीं है। अब तो जब सब कुछ एकजुटता होगी उसी समय फिर जहाँ से लेकर के सब जगह जाने की जरूरत हो जाएंगे, हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है व्यक्ति जी, अपने लिए हम कुछ हम तो सबके हित में चाह रहे थे, जब जिस दिन हो जाएगा होगा।
कांग्रेस से आपने अपील की थी सर कि कुछ तब तो बराबर किए ही है। अब आप जानते हैं अभी दो बार हाल में मीटिंग गए नहीं, सीपीएम का जो था हो रहा था तो भाई इसमें मालिक का उनको उनमें भी कह दिया और हम लोगों का जो वहाँ पर मीटिंग सातों पट्टिया का हो रहा था उसमें भी हमने कह दिया था। कुछ रिस्पॉन्स कह ही रहे तो बाकी लोग आते हैं सब कह रहे हैं पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब क्या फाइनली करेंगे सब कुछ सोच करके तो होगा जो सर दो महीने क्या क्या कर रहा है तुम न जाने पहले भी किया है मेरी अब आप बताइए ना, हम आपको बता दिए 17 में हुआ था फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया था क्या हुआ, काहे नहीं उस समय हुआ था। केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, उन लोगों को रोज बोलना पड़ता है तब भी तो आपसे जानना चाहते हैं कि आप खामोश क्यों हैं इस पर, किस पर सुशील मोदी जानना चाहते हैं आपसे कि आप चुप क्यों हैं इस पर, कौन सी पर सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे रोज, उनको तो रोज बोलना ही ना है, यहाँ हम क्या चाहते बोलिए तब हम क्या बोले, एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी तो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा, बोले रोज बोलते रहे जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी बोलते रहे आपको कोई मतलब नहीं। हम क्या लगे कविता इन सब पर भी कार्रवाई कर रही है सर, तमाम विपक्षी पार्टियां जितने हैं उन पर कार्रवाई ईडी कर रही है लगातार, तो वो जाए वो लोग तो बता ही देंगे आपको क्या बता, वो तो जिन पर होता है तो ये लोग सब लोग बता देते हैं। We'll be right back.